ओ गाइस, देवरिया का रेलवे स्टेशन है, लेकिन ना कुछ बन गया है थोड़ा, वहाँ तो बन गया लंबा सड़क, बहुत दिन बाद में आ रहा हूँ। कितना बदल गया अपना स्टेशन। तो गाइस, जा रहा हूँ मैं लखनऊ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। रात जर्नी रहेगी तो सोते सोते गुजर जाएगा, उधर से आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ों को। रात को तो सोना ही होगा, इतनी रात को क्या ही दिखाया जा सकता है। जो हमारी ट्रेन है 15007 जो कृषक ट्रेन मनार सिटी से जो लखनऊ जाती है, और मैक्सिमम चांस है कि इसमें कंफर्म हो जाता है। और हम लोग की ये बहुत शानदार ट्रेन है जो कि बनारस जो गोरखपुर या देवरिया से लखनऊ जा रहा है, रात भर चलती है, सुबह पहुँचा देती है आपको 5:30-6 बजे करीब में। तो वेट कर रहा हूँ मैं ट्रेन का, अपने 9 बजा नहीं है, लगभग 15-20 मिनट कम है अभी, देखते हैं कब तक ट्रेन आती है, राइट टाइम है ट्रेन। लो जी लो, काफ़ी दौड़ना पड़ गया भाई साहब, है पीछे और मैं बैठा था आगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई साहब नंबर पहले लिख देता है भाई। तो लीजिए जी लीजिए, ट्रेन आ गई अपनी कृषक एक्सप्रेस 15007। तो देखिए कुछ स्टेशन इस टाइप का है, यहाँ पे बाराबंकी में है अभी हम लोग, ट्रेन रुकी हुई है, आगे गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे उतरना है। और सनराइज हो रहा है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और गाइस, कृषक के स्लीपर का कुछ ऐसा बोगी है आप देख सकते हैं। और टॉयलेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही गंदा था, काफ़ी लोगों ने गंदा कर रखा था, लोगों को देखना चाहिए कैसा किस तरह का अच्छा करना चाहिए था। और हम लोग फिर निकल चुके हैं अपने मंजिल की तरफ, आगे नेक्स्ट स्टेशन ये हमारा है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, वहीं से नज़दीक पड़ेगा हॉल, तो फिर हम लोग वहीं पे उतरेंगे। जी गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, और फिर उसके बाद से आपको दिखाते हैं कुछ रेलवे स्टेशन कैसा दिखाई देता है। आप यहां पर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म कितना क्लीन दिखाई दे रहा है, और यहां पर आप बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी होते हुए दिखाई देगा आपको, क्योंकि बहुत जगह पे जितने भी सारे रेलवे स्टेशन हैं हर जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर काम ही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप तो देखिए यहाँ पे काम अभी चल रहा है। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ये रिक्शा लेकर के, तो देखिए बहुत सारे लोग साथ में। अरे दबे तो रुक जा भैया, रुक जा एक मिनट एक मिनट, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। आज सवारी करेंगे इलेक्ट्रिक कार। तो लीजिए जी, निकल चुके हैं इलेक्ट्रिक वाहन पकड़ करके, और हम लोग जा रहे हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन से, इंदिरा गांधी हॉल है वहाँ पे, और बहुत ही शानदार सा हॉल है, आपको वहाँ चल के दिखाता भी हूँ। रोड पे देख सकते हैं पूरा खाली खाली सा है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, और तो अच्छी बात है कि वो जाम भी नहीं मिलेगा और हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे। यहाँ से मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर की दूरी होगी। तो हेलो गाइस, पहुंच गए हम लोग इंदिरा गांधी के आपके प्रतिष्ठान में, उसके बाद मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद फिर आप मिलते हैं, इस ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं शाम को। तो गाइस देखिए यहाँ पे सारा मस्त, तो गाइस देखिए लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे सारा,
जुपिटर ऑडिटोरियम, कई सारे ऑडिटोरियम इसके अंदर हैं। जुपिटर ऑडिटोरियम है, अपने बोर्ड भी लगा हुआ है। गाइस ये देखिए मेन गेट है, हम लोग सेकेंड गेट से एंट्री किए थे। यह फर्स्ट गेट है, यहाँ देखिए फर्स्ट गेट है और यहाँ से मेन एंट्रेंस है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। रोड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग पावर हाउस। अरे पावर हाउस के कैंपस में है, हर पावर हाउस वाले जो मंदिर बना के रखते हैं। किस साइड है तो ये भाग रोड, और ये किस लिए सार्वजनिक शौचालय ढूंढने के लिए, क्यों? क्योंकि उधर बहुत सारा गंदा था, पहले भी आपको दिखाया ये गंदा था। तो देखते हैं पावर हाउस पास आए हुए, देखते हैं कैसा मिलता है यहाँ पे। जी मिल गया, देखते हैं क्या हाल है। साल तो हो ही गया नहीं तो छोटा प्रण तब बस बांध कर। अच्छा आज बंदे जी आप मजे कर रहे हैं, मतलब बात कुछ तरह से ले रहे हैं। शौक थे आज उनके विद्यालय में जो बच्चे पहन रहे हैं। हम भी है ना एक वो करते मारते हैं जो हमरो शौक का तोरे पास है, चिंता मत। तो ये कौन सा शौक है कि टाइप बन के गेहूं काटा? शौक ना तो पागल पड़ती कह जाने कौन काटा अभी तो कह रहे थे। लीजिए सर, बना बना वो भी पहनने नहीं आता उसको, हम लोग पहना रहे। यदि टाई लगा के पुराना गेहूँ काट देना, हमारे का मंत्री जी जनता से सूट जूता पहन के पूरा झाड़ू मारा गेहूँ काटा था ना लोगों का वीडियो। ओम प्रकाश राज फोटो अभी आया था पेपर में। तो गाइस अंदर का कुछ नज़ारा है, देखिए ऐसे ऑडिटोरियम बना हुआ अंदर। एंट्रिंग ये देखिए पूरा गजब का एंट्रिंग, शानदार ऑडिटोरियम। अभी जो ऑडिटोरियम है यह भर जाएगा कुछ टाइम में। तो जी फाइनली मीटिंग खत्म हो गया है और हम लोग निकल दिए हैं। देखिए सभी लोग जा रहे हैं, पूरा पूरा खचाखच भरा पड़ा था भाई, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी, बता रहा हूँ मैं। सीढ़ी सीढ़ी तक मतलब जितने डायमंड लोग थे सभी लोग खड़े थे और उनके बैठने तक जगह नहीं था। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा, भीड़ बहुत ही ज़्यादा भाई साहब, एक एक इंच भरा पड़ा था। हम लोग टेम्पो पकड़ के निकल गए हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। सर से बोला था कि घूमने चलना है थोड़ा सा, पार्क ये खुला हुआ है नया, लेकिन गए ही नहीं सर। तो फिर मैं भी साथ में निकल गया, क्या अकेले जाता, इन लोगों को अकेले छोड़ देता उधर, फिर मैं भी अकेले जाना पड़ता। इसलिए नेक्स्ट टाइम से आता हूँ तो दिखाता हूँ कुछ ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर रोड पे। तो हम लोग जा रहे हैं इस टाइम चारबाग रेलवे स्टेशन। मॉर्निंग में जो आए थे गोमती नगर रेलवे स्टेशन से आए थे, लेकिन चारबाग रेलवे स्टेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा चहल पहल है और वहाँ पर कुछ खाने को भी मिल जाएगा, पेट पूजा ज़्यादा हो जाएगा अच्छे से। तो फिर चलते हैं वहीं पे, देखिए आ गए हैं तो कुछ ऐसा स्टेशन है। तो फिर अभी इस ब्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं और फिर इसके बाद से आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।